इनका नाम है रामदास जी राठौर जी, आपके सामने खड़े हैं जिंदा हालत में, लेकिन नगरपालिका आलमपुर ने इनको मृत घोषित कर दिया कागजों में। अब हम इसी बारे में बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रामदास। आपकी उम्र? अमर 48। कहाँ पर रहते हैं आप? वार्ड नंबर 4 में। आपको पता है नगर पालिका ने आपको मृत घोषित कर दिया? हम तो गए ही नहीं, उनका बयान मृत्यु वहीं करते रहे कागज में तो कहा है। आपके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र से निकाल कर आपकी राशि निकाल ली गई है, आपको इस बारे में पता है? अभी तक पता नहीं। आप कभी नगर पालिका गए? नहीं, हम अभी पहुँचे नहीं। हम तो कभी गए नहीं, गए तो किस काम के लिए गए थे? आवास के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? बिन्ने के जब आएगा तो आपको फोन कर देंगे। तो फिर आया कि नहीं आया? अभी कहाँ आवास। अब आपके नाम आवास नहीं आया क्योंकि आप मृत घोषित हो चुके हैं उनके यहाँ पर, आपके कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होगी। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब जो है कि ऐसा मृत्यु घोषित क्या कर दो, ऐसा कुछ कर सकते, जमीन भी हड़प सकते। हमारे चैनल के माध्यम से कलेक्टर महोदय को आप क्या बताना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं संदेश? जो ये जैसे मृत्यु घोषित वहीं बैठे कागजन में करते रहे, हम तो जिंदा हैं। हमारे रामदास जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो आपके सामने खड़े, वास्तव में खड़े हैं, हमारे बगल में खड़े हैं, ये कोई भूत नहीं है, आपको देख रहे हैं, रामदास जी राठौर जी हैं और इनको सरकार ने अपने कागजों में मृत घोषित कर दिया है। ऐसी नगर पालिका आलमपुर में बहुत सी कार्रवाई हो रही हैं जिनको मृत घोषित कर दिया जाता है और उनके नाम से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये अपने आवास के लिए नगर पालिका गए थे, 5-6 चक्कर लगाए बेचारे, 2-3 साल से हैरान हो रहे हैं कि हमारा आवास आ जाएगा, लेकिन आवास तो इनका आया नहीं, इनको नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया है।